तो पूरी तरीके से टूट चुके हैं शाहरुख खान। उनके करीबी ये बता रहे हैं कि शाहरुख बहुत ज़्यादा अब परेशान चल रहे हैं, खास करके जब से कल से आर्यन खान को जेल भेजने की सज़ा सुनाई गई है और उन्हें कस्टडी में रखा गया है जेल में, उन्हें बेल रिजेक्ट कर दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। तो इस तरीके से शाहरुख पूरी तरीके से टूट चुके हैं। गौरी खान भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अब वो ऐसे लोगों से मदद कर रहे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि पहले उन्होंने उन लोगों से मदद नहीं ली थी और अब उन लोगों से मदद लेनी पड़ेगी। तो वो अब हर एक लोगों से मदद की गुहार कर रहे हैं और वो अपने बेटे को बचाने के लिए एक निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए गुहार लगा रहे हैं कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि आर्यन खान जो है निर्दोष हैं, जैसा कि उनके वकील कह रहे हैं, और उनको अच्छे से जांच करने के लिए एनसीबी को निष्पक्ष होकर जाँच करने की गुहार लगा रहे हैं वो। तो शाहरुख, जिसको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो एक खुद में ही किंग खान कहलाते थे और अभी तक इस वक्त तक उन्होंने किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया है। लेकिन अपने बच्चे के लिए वो ये बोल रहे हैं कि अगर उनको किसी के सामने भी सिर झुकाना पड़े वो झुकाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि निष्पक्ष होकर जाँच करें। कल जैसे ही बेल रिजेक्ट हुआ, शाहरुख और कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ थे जो आर्यन खान के सपोर्ट में आए और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगे, और साथ ही उन लोगों को बहुत बुरा लगा जब उनका बेल रिजेक्ट हुआ। तो शाहरुख, गौरी खान पूरी तरीके से इमोशनल हो चुके हैं, टूट चुके हैं आर्यन खान को लेके। जब से उन लोगों को पता चला है कि आर्यन खान को जेल जाना पड़ेगा और कम से कम 14 से 15 दिन तक वहीं पे रहना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।